नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए एक नए टॉपिक पर चर्चा के लिए, और आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है होप विद्रोह। तो दोस्तों, इस क्लास में आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आपको होप विद्रोह से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, इसके साथ क्लास शुरू होने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप लोगों ने द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं, तो जानते हैं होप विद्रोह के बारे में। तो दोस्तों, होप विद्रोह के बारे में इसका ईयर जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी, या इसको 1820 से 21 तक कहा जाता है, और 21 में ख़त्म कर दिया गया था। तो इसको होप विद्रोह की का ईयर याद रखिएगा 1820 ईस्वी। अगला पॉइंट क्या है? हो लोगों का निवास स्थान हो देशम या कोल्हान के नाम से जाना जाता है। तो जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में हो जनजाति के लोग रहते हैं उसको हो देशम या कोल्हान के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, कोल्हान पर कभी भी मराठों या मुगलों का अधिकार नहीं हुआ था। तो कोल्हान का जो क्षेत्र है वहाँ पर ना कभी मुगलों का आधिपत्य हुआ था, ना ही मराठों का, इसलिए ये स्वतंत्रता प्रेमी थे हो लोग, और ये कभी किसी के अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे। अगला पॉइंट है, पोरहाट के सिंह राजाओं का थोड़ा बहुत प्रभाव था, किंतु नियमित कर नहीं देते थे। जो कोल्हान के का पड़ोसी एक राज्य था पोरहाट, वहाँ के राजाओं ने कोल्हान पर बहुत बार कोशिश की अपना प्रभाव जमाने के लिए, लेकिन वे भी सफल नहीं होते थे, और वो लोग नियमित कर नहीं देते थे। अगला पॉइंट क्या है? सिंहभूम के राजा के आग्रह पर 1820 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट मेजर रफसेज एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया। जब सिंहभूम के राजा यहाँ पर अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मेजर रफसेज को एक आग्रह किया कि वे इस क्षेत्र में अपनी सेना भेजे। तो अगला पॉइंट क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चाईबासा के निकट रोरो नदी पर हो लोगों के साथ भिड़ंत हुई, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाने लायक है कि अंग्रेज और हो के बीच कौन से स्थान पर भिड़ंत हुई थी। तो वो स्थान है चाईबासा के निकट रोरो नदी पर, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, इस दमन के बावजूद भी हो देशम के केवल उत्तरी भाग के हो ही कर देने के लिए राजी हुए। इस भिड़ंत में अंग्रेज भले ही विजयी हुए, लेकिन वे फिर भी पूरे हो जनजाति के लोगों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए, और कुछ ही हो लोगों ने अंग्रेजों को कर देना स्वीकार किया। अगला पॉइंट है, इन लोगों ने पोरहाट के राजा के खिलाफ उपद्रव मचाना जारी रखा। इसके बाद अगला पॉइंट है, पोरहाट के राजा की याचना पर रफसेज ने 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी। जब हो कंट्रोल से बाहर जा रहे थे सिंहभूम राजा के, तो उन्होंने फिर अंग्रेज अधिकारी रफसेज से फिर याचना की कि वे अपनी सेनाएं भेजे। तो फाइनली जो रफसेज थे अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने अपनी बड़ी सेना भेजी और हो लोगों पर अटैक कर दिया, जिसमें हो जनजाति के लोग बुरी तरह से घिर गए, और मजबूरी बस अंग्रेजों के साथ वे समझौता करने पर मजबूर हो गए। तो किन किन शर्तों पर समझौता हुआ, ये संधि की क्या क्या शर्तें थी हो और अंग्रेज के बीच? हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली, जो पहली शर्त थी अंग्रेज और हो के बीच, जो हो लोगों ने कंपनी का अधीनता स्वीकार कर ली। और अगली शर्त क्या थी? हो लोगों ने अपने राजाओं और जमींदारों को 8 आना प्रति हल कर देना स्वीकार किया। और अगली जो शर्त थी, जितने भी हो लोग थे और जिनके पास भी हल था, मतलब बैल का जोड़ा और हल, और प्रति हल 8 आना, यानी कि लगभग 50 पैसा प्रति हल कर देना स्वीकार किया। अगला पॉइंट है, इस संधि के बावजूद 1831-32 में फिर से हो लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो दोस्तों, ये था आज का क्लास, और जिसमें हमने हो जनजाति के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।